हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज आप लोगों के सामने मैं एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूं जो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, और आप स्टेप बाय स्टेप ये फॉलो किया करें ताकि आप लोगों को स्टिचिंग में किसी किस्म का मसला ना हो। व्यूअर्स, आज आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, उससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, इससे पहले मेरे आप लोगों से हमेशा की तरह एक ही इल्तिजा है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए दुपट्टे पे पलटे के साथ लैस लगाना सिखाऊंगी मैं आप लोगों को। व्यूअर्स, हर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आप स्क्रिप्ट करके मत देखा करें ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियरली पता चले। जब आप स्क्रिप्ट करते हैं तो किसी चीज़ का पता नहीं चलता। फिर चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमने यहाँ से कोना है दुपट्टे का, ये देखें ये लेस है। कोने को ले के मैं पहले लंबाई की तरफ लगाऊंगी लेस। कोने पे लेस रख के इस तरह से लेस का मुंह दुपट्टे वाली साइड पे और किनारी वाली साइड पे ये, और लेस उल्टी रखनी है। ये लेस का सीधी साइड है लेस की और ये उल्टी है। उल्टी साइड ऊपर होनी चाहिए और सीधी साइड नीचे होनी चाहिए। और ध्यान से इसको इस तरह से आपने पूरे दुपट्टे में पहले लैस लगानी है। पूरे दुपट्टे पे ये देखें, ये इस तरह से अंदर वाली साइड पे लैस का किनारी होनी चाहिए जो हमने बाहर रखनी है, और जो सिलाई में देना है वो बाहर वाली साइड पे। और उल्टी रख के, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि उल्टी रख के आपने लैस इसके साथ अटैच करनी है। इसी तरह से ये चारों तरफ हम लैस लगा लेंगे। अच्छा जी, ये देखें, ये हमने इस तरह से लगा के अब इस लैस को कोने पे हमने लगा के कैसे मोड़ना है ये मैं आपको बताऊँ। लैस का कोना किस तरह बनाना है, ये लैस इसी तरह से सीधी लगाते जाएंगे जहाँ से मोड़ना है। उसको इस तरह करके ये जो लगी हुई लैस है जिस साइड से, उसको इस तरफ को मोड़ के पीछे को मोड़ना है बाहर को, और इसे आगे जिस तरफ लगाना है लगाना इस तरह। ऐसे इस तरह से इसका कोना बनेगा। अच्छा, ये देखें हमने लैस लगा ली है। ये लैस हमने लगा के कंप्लीट कर लिया पूरे दुपट्टे पे चारों साइडों पे। अब हम इसके ऊपर पलटा कैसे लगाएंगे ये देखें। ये हमने पलटा लिया, ये तकरीबन 2 इंच इसकी चौड़ाई है। इस तरह से हम पलटा रखेंगे, इस तरह से हम पलटा रखेंगे। और ये जो सिलाई हमने बैक साइड पे लैस लगाई थी तो उसकी सिलाई है, उसके अंदर वाली साइड पे उसके साथ जोड़ के सारे चारों तरफ हम सिलाई लगाते जाएंगे। और ये सिलाई वाला साइड, ये वाली साइड हम ऊपर मशीन की तरफ रखेंगे, सुई की तरफ, और ये हम इस बार पलटे वाली साइड हम नीचे रखेंगे इस तरह। ये देखिए, जो हमने पहले सिलाई लगाई हुई है पलटे को साथ जोड़ने के लिए, उसकी सिलाई हम उसी सिलाई के साथ साथ अंदर की साइड को लगाएंगे। ये जो सिलाई लगी हुई है इसकी इस साइड पे हम सिलाई इसकी लगाएंगे। हम पलटा साथ साथ सेट करते जाएंगे और सिलाई आराम से लग जाएगी। इतना कोई मुश्किल काम नहीं है स्टिचिंग का, मगर ये है कि थोड़ी सी तवज्जो देनी पड़ती है। इस तरह से हम पलटा सीधा करते जाएंगे, उसके ऊपर ये रखेंगे, मगर याद रहे कि इसको ज़्यादा खिंचाव नहीं देना। ऐसे इस तरह से हम
पहली सिलाई के ऊपर अंदर की साइड को जोड़ के उसके साथ ही दूसरी पलटे के साथ लगाते जाएंगे। ये देखिए, जब हम पलटे को इस तरह से सीधा करके अंदर को मोड़ेंगे तो लैस इस तरह से सीधी हो जाएगी। ये देखिए, चलें ये पूरी पूरा पलटा लगाएं अब। अच्छा जी, ये देखें, ये हमने पलटा इस्त्री के साथ बिठा के सीधी करके इस तरह से, ये ऐसे इस तरह थी तो हमने जब इस तरह की, ये देखें इस्त्री के साथ मैंने ये लेस सारी प्रेस कर ली है दुपट्टे पे। ये ज़्यादा नज़र नहीं आ रही सही, ये हमने प्रेस करके अब ये जो पलटा हमने लगाया था इस तरह से नीचे को आ गया। अब इसको हमने जितनी इसकी चौड़ाई रखनी है पलटे की उतनी रख के इसको इस तरह करके अंदर फोल्ड करके ऊपर से ये सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ऐसे, ये चारों तरफ दुपट्टे के इस पलटे के इस साइड पे हम बारीक किनारे पे सिलाई लगाएंगे। ये देखें, बहुत आसान है स्टिचिंग, इतनी कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर ये भी एक आर्ट की तरह होता है। आप अगर स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आपको पता चलेगा, और प्रैक्टिस किया करें ताकि आप लोगों को हर चीज़ क्लियरली बनाना आए। इस तरह से हम रखेंगे और साथ साथ मोड़ते जाएंगे अंदर को। हमने ये कोने पे नहीं रखा, कोने से थोड़ा सा पीछे रखा है ताकि जब हम दूसरी साइड से आएँ तो इसका कोना सही बन सके। अब इस तरह से हम साथ साथ इसको मोड़ते जाएंगे, जितनी हमने चौड़ाई रखनी है उतनी रख के अंदर बाकी मोड़ देंगे सारा। अच्छा जी, तो ये है हमारे दुपट्टे की फाइनल लुक। ये देखें, ये मैंने पलटा लगा के नीचे फोल्ड भी हो गया, ये पलटा लगाया प्रेस करके मैंने, ये इसके फाइनल लुक है। ये देखिए, इतनी सी मेहनत करने से क्या ये आधे घंटे का काम है, मगर दुपट्टा इतना अच्छा लगने लग जाता है। ये देखिए, पलटा लगाया, उसके साथ लैस लगाई और ये दुपट्टा इतना अच्छा लगने लग गया। इसी तरह हम फैंसी सूटों के दुपट्टे भी कर सकते हैं, बना सकते हैं पाइपिंग लगा के नीचे, या कोई लैस फैंसी लेके, गोल्डन कलर का काम है तो गोल्डन हम फैंसी सूटों पे भी कर सकते हैं। देखिए, ये इसकी फाइनल लुक है। ये देखिए, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। जो चीज़ आप लोगों ने मुझे पूछनी है मुझसे सिलाई के बारे में, वो मैं क्लियरली आप लोगों को बताऊँगी। और ये देखें, मैंने पलटा लगाना स्टेप बाय स्टेप बताया है ताकि आप लोगों को किसी चीज़ की कंफ्यूजन ना रहे। अगर आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं दोबारा आप लोगों को वो क्लियर बताऊंगी। दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।